और श्रीगंगानगर शहर में बारिश से हुए नुकसान को लेकर मुआवजा दिलाने और नगर परिषद में स्थायी आयुक्त की नियुक्ति की मांग को लेकर पार्षदों का एक शिष्टमंडल जिला प्रशासन से मिला है। इस दौरान कलेक्ट्रेट सभागार में अतिरिक्त जिला कलेक्टर के साथ हुई वार्ता में पार्षदों ने बताया है कि नगर निगम में नगर परिषद में पिछले 1.5 साल से स्थायी आयुक्त नहीं होने से वार्डवासियों की पट्टी नहीं बन पा रहे हैं। इसके अलावा शहर में बारिश का पानी समुचित व्यवस्था नहीं होने के चलते थोड़ी सी बारिश होने पर भी शहर डूबने की कगार पर पहुंच जाता है। सड़कें पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गई हैं और लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। पार्षद और निर्दलीय पार्षद सभी हम साथ इकट्ठे होकर कलेक्टर साहब को मिलने के लिए आए तो यहाँ एडीएम साहब मिले, उनको हमने अपनी गाथा सुनाई। नगर परिषद के अंदर न तो पट्टे बन रहे हैं, न हो किसी प्रकार का कोई कार्य हो रहा है। एडीएम साहब ने कहा कि मैं बात करता हूँ और आपके पट्टे बन जाएंगे तो अकेला पट्टे से काम नहीं चलेगा, हमें वहाँ स्थायी आयुक्त चाहिए, नहीं तो हम धरना लगाएंगे, प्रदर्शन करेंगे और नगर परिषद के तहत लगाएंगे।